और बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएए और एनआरसी के विरोध में मुकदमा दर्ज हुआ है। ठाकुरगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। दर्ज एफआईआर में शायर मुनव्वर राणा की 2 बेटियां नामजद की गई हैं। एफआईआर में नाम है सुमैया राणा का और फौजिया राणा का। ये देखिए आप एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों का नाम सुमैया राणा, फौजिया राणा, पिता का नाम मुनव्वर राणा, मशहूर शायर मुनव्वर राणा और उनकी 2 बेटियों के नाम एफआईआर में दर्ज। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संतोष, क्या जानकारी है, क्यों ये एफआईआर कल दर्ज की गई है? धारा 144 लागू कर दी गई थी राजधानी लखनऊ में, लेकिन उसके बावजूद सीए और एनआरसी को लेकर के ठाकुरगंज के घंटाघर में प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किए हैं। इन 3 एफआईआर में 1 एफआईआर जो महिला कांस्टेबल ने लिखाई है उसमें करीब 18 लोग नामजद हैं। नामजद लोगों में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की 2 बेटियां सुमैया राणा और फौजिया राणा, ये 2 बेटियां हैं मुनव्वर राणा साहब की, उनके 2 बेटियों को नामजद किया गया है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए धारा 144 का उल्लंघन किया। इस तरीके से ठाकुरगंज थाने क्षेत्र में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, लिहाजा इसी को लेकर के प्रशासनिक तौर पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज की गई है संतोष, और उसके बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, चूंकि धारा 144 लागू की गई थी तो पहले जो आरोप लगाए गए कि धारा 144 के उल्लंघन के साथ जो महिला कांस्टेबल जिसने एफआईआर लिखाई उसका कहना है कि ये वो ड्यूटी दे रही थी और इन तमाम लोगों ने जो उसमें नामजद हैं और अज्ञात लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की, उसको वहां पे धमकाया, तो इन्हीं तमाम धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। मुख्यतः धारा 144 के उल्लंघन के, धारा 144 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसी को लेकर के ये 3 धाराएं 3 एफआईआर लिखी गई हैं। शुक्रिया आपका संतोष। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।